हेलो एंड वेलकम, मैं हूं पराग छापेकर और इस समय मेरे साथ मोस्ट टैलेंटेड कमाल के एक्टर रितेश देशमुख। रितेश, बहुत बहुत स्वागत है। पराग जी, आपसे जब भी बात करते हैं बहुत मजा आता है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे करियर की जब से शुरुआत हुई है तब से मैं पराग जी के साथ इंटरव्यू दे रहा हूं। मतलब मैं वही पूछ रहा था, अभी तारा और का इंटरव्यू कर रहा था मैं, और अचानक उन्होंने कहा रितेश सर ने ऐसा, और मुझे लगा यार अभी अभी की तो बात है, रितेश हेलीकॉप्टर में उतर के अपने प्रीमियर पे आए थे और अभी रितेश सर हो गए। नहीं, मैं वही एक बार इंटरव्यू में बैठा हूँ और तारा बोलने लगी ना, रितेश सर के साथ काम करने में एक इंटरव्यू हो गया, दूसरे इंटरव्यू में रितेश सर के साथ, मैं तीसरे इंटरव्यू में इंटरव्यू बोला, माँ आप तो सर मत बोल, सीनियर मत बना, पैर पकड़ लो, सर और मत बोलो रितेश बोलो, तो बहुत आई मीन स्वीट ऑफ। कभी कभी लगता नहीं है कि अगर देखा जाए तो मैं एक्चुअली 15 साल उनका सीनियर हूँ, लेकिन आई थिंक वी नीड टू एक्चुअली रिस्पेक्टफुल, बट इट्स ओके यार, वी आर इन अ वर्ल्ड वेयर वी आर इक्वल्स, और अच्छा लगता है जब वो मुझे मेरे नाम से बुलाए, क्योंकि कई साल पहले यही चीज़ अक्षय ने मेरे साथ की, क्योंकि वो मेरे सीनियर थे, इसलिए मुझे अक्षय बुलाया। लाइक टू गो बैक टू दैट। हाँ, मतलब एक मजा आता है कि मेमोरीज, मुझे याद है वो है, मतलब आप जब हेलीकॉप्टर से आ रहे थे, देखो ग्रैंड एंट्री ऑफ ए हीरो, बड़ा मजा आ रहा था। अच्छा, मरजावां की अगर मैं बात करूं तो आपने मंगलयान को बड़े सस्ते खर्चे में पहुंचा दिया मंगल पे, मतलब नहीं ये एक्चुअली मंगल जाता ही नहीं है, ये यही मुंबई के बस्ती में है। हाँ, मतलब कमल हसन को बहुत खर्च लगा उसमें, शाहरुख को बहुत खर्च लगा, आपने बहुत कम खर्च में बोला खड़ा किया। ये तो फ्यूचर वर्क जो हमारे स्टूडियो है, VFX स्टूडियो, उन्होंने ये सब कमाल कर दिया है और बहुत अच्छी तरह किया है। क्या होता है कि आपको पता है कि आपका बजट इतना है, उसी के बीच में आपको खेलना है, तो वो होता है ना कि नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन, जब जरूरत होती है तो आप रास्ता निकाल लेते, तो यही वो रास्ता है, हर शॉट 5-5 बार देना और हमारे लिमिटेशन में जितने लोगों को ठीक लगे वैसे करना, आई थिंक अच्छा, बहुत अच्छा काम किया। मतलब आपकी तरफ और विष्णु या वो एक विलन का जी, इसको देख के लगता है कि यार इससे हराम ज्यादा, इससे कमी ना आदमी कोई नहीं हो नहीं, सकता। और इससे तो बड़ा है नहीं, है ना, मतलब तो ये क्योंकि आप वो इमोशनल मेमोरीज पे तो वर्क करते हो ना एज एन एक्टर। नो, एज एन एक्टर क्या होता है कि कभी कभी लेट्स अंडरस्टैंड कि हर एक इंसान में आप इवेंचुअली लोग बोलते हैं अच्छा आदमी है, करेक्ट है, किसी भी इंसान में वो सारे इमोशन होते हैं, आपको गुस्सा आता है, आपको प्यार आता है, कंपैशन आता है, यू ट्राई टू बिहेव वेरी वेल, कभी कभी आप गुस्से में कुछ ऐसी चीज़ें कर जाते हो। मुझे बहुत बार आता है कि मैं बहुत ज़्यादा सेल्फीज लेता हूँ जितना, लेकिन एक बार ऐसे लगता है कि नहीं यार अभी नहीं छोड़ना सर, एक सेल्फी नहीं, अभी मैं बहुत सेल्फी में थक गया हूँ, तो बहुत बार ऐसा लगता है। और जब मैं गाड़ी में बैठता तो मुझे लगता है नहीं यार एक सेल्फी दे देता मैं, फिर उसको बुलाकर मैं सेल्फी देता, लेकिन उस पल के लिए मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ नहीं करनी चाहिए। हालांकि हमको कई लोगों पर गुस्सा आता है, कई लोगों को कभी कभी गाली देने का मन करता है, हालांकि हम देते नहीं है क्योंकि हमारी परवरिश ऐसी होती है कि वी थिंक चलो ये सब गलत है, पर कुछ लोग ऐसा कंट्रोल नहीं कर पाते, तो उसमें से ये है, एंड देयर इज नेगेटिविटी अराउंड कि आप बोलते ना कि ये मत करो, पर क्या मत करो वो तो जानना जरूरी है ना, वो क्या है जो नहीं करना है। तो जैसे आपने कहा कि ये मेमोरीज में से ये सारी चीज़ें हैं, कमीनापन वो सब देखना पड़ता है, देन यू नो कि अरे जैसे ही टॉक्स अबाउट सीन में एक लड़की है जो 14-16 साल की है और उसके बारे में कुछ ऐसे बोलता है, जो मैं सीन में पढ़ा रही ऐसे क्यों बोल रहा है, तो डायरेक्टर भाई तुम नहीं हो, ये विष्णु है और विष्णु बोल रहा है ऐसे, तो अभी कितना मुझे दिल पर पत्थर रख के वो लाइन बोलनी पड़ी है। आप जब होपफुली आप फिल्म देखो बस्ती का एक्सल देखा हूँ, और उसे भी मैंने काफ़ी सादगी में बोलने की कोशिश मैंने की, बड़ा मुश्किल है, बहुत 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 मुश्किल है। तो मतलब ये एक ऐसी एक्सरसाइज रही होगी विष्णु को खड़ा करने की जो आपने जिम में कभी नहीं की होगी, घुटनों की एक्सरसाइज आपने की। घुटनों की एक्सरसाइज थी, हर शॉट को 5 बार मुझे देना पड़ा, कभी घुटनों पे चलो, कभी सीधे चलो, कभी ग्रीन स्क्रीन के साथ, कभी बिना ग्रीन स्क्रीन के साथ,
कभी सिद्धार्थ साहब में है, कभी सिद्धार्थ साहब में नहीं है, सॉरी। तो बहुत फिजिकल स्ट्रेनिंग बहुत थी, लेकिन आपको पता था कि एक किस गोल की तरफ आप जा रहे हो। कि सब होने के बाद जब वो डायलॉग फाइनली आएगा जहाँ पर मैं 3 फुट का हूँ, सिद्धार्थ 6 फुट के, और मैं उनको हुल दे रहा, वो मेरे को धमकी दे रहा है, ये जो टसल है, ये जो क्या बोलते हैं, ये जुगलबंदी है दोनों के बीच में, वो मुझे लगा कि जब फाइनल देखने को मिलेगा तो मज़ा आएगा। मतलब ये मिलाप की मतलब एक उस आइडिया को मानना पड़ेगा कि ये 3 फुट का आदमी इतने लंबे चौड़े आदमी को धमका रहा और वो पावरफुल है, ये कॉन्सेप्ट ही अपने आप में बड़ा यूनिक है। नहीं, वो हमेशा सोचते हैं कि विलन तो विलन होता है, लेकिन उसमें यूनिक क्या है, क्या अलग होगा। चलो ठीक है, अभी एक हीरो है जिसकी बॉडी अच्छी है, उसके सामने आप दूसरा विलन देखे जिसकी उससे बड़ी बॉडी होगी, दोनों लड़ेंगे झगड़ेंगे, क्या आप ऐसे इंसान को विलन बना सकते हो जिसकी इनसिक्योरिटी अलग हो, जिसको आमतौर पर अगर आप देखो तो लगता है ऐसे कोई भी मार सकता है, और क्या उसका खौफ इतना ज़्यादा हो सकता है कि सिद्धार्थ तो क्या पूरी बस्ती उससे डरती है। तो आप वो 3 फुट के इंसान से नहीं डर रहे, उसके खौफ से डर रहे कि वो क्या कर सकता है। तो इसमें सबसे मुश्किल सीन कौन सा रहा शूट के दौरान? अगर मुश्किल सीन इंटरवल का एक सीन था जहाँ पर हम सब बारिश में भीग रहे, और बारिश में बस्ती में तो हर जगह कीचड़ था, हालांकि सब लोग खड़े थे तो उनके पैर गंदे हो रहे थे और मैं घुटनों पर था, तो मतलब मेरे पूरे पैंट पर नीचे तक कीचड़े कीचड़ था, और सिद्धार्थ भी अपने घुटनों पर थे। वो एक ही सीन है जहाँ पर मैं और सिद्धार्थ आमने सामने एक हाइट पर है, कि वो अपने घुटने पर है और मैं सीधा खड़ा, बात वो है, और वो काफ़ी फिजिकल स्ट्रेनिंग था। बिना आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये इसकी हाइट 3 फुट की है लेकिन अकड़ 6 फुट की है। क्या बात, बहुत अच्छी बात है, इसका कद 6 फुट का, कद 6 फुट 3 फुट का लेकिन अकड़ 6 फुट, बहुत बढ़िया बात। तो मतलब ये एज एन एक्टर मतलब इस प्रोस्पेक्टिव मैच करना, और ये भी एज एन एक्टर बड़ा डिफिकल्ट, बहुत अलग होता है। क्या होता है कि समझिए अगर हम दोनों बात कर रहे हैं और आपको अब यहाँ देखिए, यहाँ मेरे एल्बो को देखें और मैं यहाँ देख रहा हूँ, और पूरे हम डायलॉग एक दूसरे को देखे, तू मारेगा तो मैं मर जाऊँ, अरे क्या तू क्या समझता है आप। तो जब एक दूसरे को देख नहीं रहे हो तो इमोशंस आते ही नहीं है, तो मुझे जाकर मॉनिटर में देखना पड़ता है सिद्धार्थ ने कैसे शॉट दिया। फिर जब सिद्धार्थ ना हो और मैं ब्लैंक स्क्रीन में देख रहा हूँ तो सिद्धार्थ की आवाज़ वो रिकॉर्ड की वो फिर से प्ले होती थी, फिर उनकी आवाज़ को मैं एक्सप्रेशन मान कर फिर रिकॉर्ड करता था। तो इट वॉज डिफ़िकल्ट। क्या होपफुली ये सारी जो हमें मुश्किलें हुई हैं वो ऑडियंस को फील ना हो, उनका ऐसा लगे कि नहीं यार इन्हों तो आमने सामने देख कर बात करें, वो ऐसा लोगों को लगे, तो मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर फ्यूचर वर्क्स स्टूडियो को मेंशन कीजिए अपने रिव्यू में, हालांकि हमारा काम अच्छा लगे ना लगे वो बात अलग है, पर उनको काम को ज़रूर सराहें क्योंकि उन्हें बहुत मेहनत की। नहीं, निश्चित तौर पर, मतलब सभी का कलेक्टिव वर्क है और बहुत अच्छा ही काम हुआ होगा। जैसा मैंने आपसे कहा कि मैं हमेशा आपका बड़ा एडमायर रहा हूँ, मुझे लगता है कि रितेश में एक्टिंग का वो पक्ष भी है जो अभी सामने ही नहीं आया, तो आपको ऐसा लगता है कि यार ये चीज़ अभी मुझे और करना है? जैसे मराठी में कई सारे आप एक्सपेरिमेंट कर भी जाते हो जी, वो अभी हिंदी में वो स्कोप अभी नहीं हो रहा है। नहीं, आई थिंक क्या होता है कि मुझे लगता है कि जब आप काम कर रहे हो ना तो लैंग्वेज की बैरियर नहीं होनी चाहिए। इवेंचुअली आफ्टर सम टाइम स्टार्ट वर्किंग फॉर योरसेल्फ, कि आपके दिल को सुकून क्या देता है। अगर मैं हिंदी में कॉमेडी करता हूँ लेकिन मराठी में मैंने नहीं की, तो ऐसा नहीं कि मराठी में नहीं करनी, अगर कुछ अच्छी सीखूँ वहाँ भी कर लूँ। यहाँ पर मैंने इनफैक्ट इतने अच्छे दो विलन की भूमिका करने का मौका मिला, बहुत कम ऐसे एक्टर के नसीब में था जहाँ पर कुछ ऐसे किरदार आपको मिले जो अपने आप में ही अलग हो, जो आपके चाहने वालों के लिए भी शॉकिंग था जब एक विलन आया रितेश विलन। नहीं, आई थिंक हैट्स ऑफ कि वो मोहित सूरी और एकता कपूर, उन दोनों का बड़प्पन था कि उन्होंने मुझे ऐसे वक्त इस फिल्म में कास्ट किया, एक फिल्म में जब लोगों ने मेरे बारे में सिर्फ यही सोचा कि कॉमेडी करता दूसरा कुछ नहीं करता, और ये बहुत ज़रूरी था कि एक विलन चले, एक विलन चली, इसलिए आज मैं ये रोल कर पा रहा हूँ। एंड आई होप कि जब लोग थिएटर में जाकर ये फिल्म देखें तो
उन्हें उस वक्त के लिए तो कभी ऐसा ना लगे कि इसे धमाल भी किया और हासिल भी किया। क्या बात है। चलिए रितेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करता हूँ कि बॉक्स ऑफिस पे मरजावा आवाज निकले और बॉक्स ऑफिस सक्सेस ये फिल्म रहे। थैंक यू। मतलब अकड़ वाली ही हाइट इसको मिले, कदर वाली नहीं। थैंक यू वेरी मच। एक